Hello YouTube fam, welcome to the 16th edition of the Bit by Bit series Mission 2020 BitSat. So we are now starting with the 16th edition of the Bit by Bit series. So in this first, let's focus on the chemistry question. The question says, the element with the highest first ionization potential is, we are given 4 options for this, boron, carbon, nitrogen, oxygen. So first of all, let's count. अपने उंगलियों में गिन लेते एक बार हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारे सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं तो सबकी हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 कार्बन 6 नाइट्रोजन हो गया हमारा 7 ऑक्सीजन हो गया हमारा 8 ये हमारा आएगा 1s2 2s2 2p1 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4. तो हमको basically पूछा गया यहाँ पे जो first ionization potential है किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो ionization हम क्या समझते हैं जब हम एक किसी भी atom से electron निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचता है that is basically its, you know आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होता है वो उसका जो चेंज इन एनर्जी होता है उससे हम बताते हैं ठीक है सो बेसिकली दिस विल बी द हाईएस्ट व्हेन दिस इज द मोस्ट स्टेबल ठीक है तो अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो ये बेसिकली जो डेली की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी तो इनमें से देखना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है सारे में किसी में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बट जो चीज इन सब में से किसी एक में यूनिक है दैट इज नाइट्रोजन में दैट इज ये जो है इसका आउटर मोस्ट शेल इसमें 2p का दैट इज हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स आर रियली रियली स्टेबल तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे a प्लस यानी कि जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सो दैट विल गो फ्रॉम अ स्टेबल स्टेट टू एन अनस्टेबल स्टेट सो देयरफॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अमंग दीज फोर एलिमेंट्स जिसमें से सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन का ठीक है क्योंकि नाइट्रोजन इज गोइंग फ्रॉम अ स्टेडी स्टेट ऑफ हाफ फिल्ड शेल ठीक है हाफ फिल्ड इसका शेल है तो इसीलिए बेसिकली ये बहुत ज्यादा स्टेबल है और जब हम इसको 2p3 से 2p2 करेंगे इसका एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करके सो देयरफॉर इट विल गो फ्रॉम अ स्टेबल स्टेट टू एन अनस्टेबल स्टेट सो देयरफॉर द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अमंग्स बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन ठीक है नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज एन ब्यूटेन इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन फॉलोड बाय WURTZ reaction. Okay, the volume of ethane at NTP required to produce 55 gram N-butane. If the bromination takes place with 90% yield and the WURTZ reaction with 85% yield will be, हमारे पास options दिए गए हैं A 44.9 liters, option B 50.5 liters, option C 55.5 liters और option D यहाँ पे हमारे पास है 39.6 liters. तो basically यहाँ पे N-butane produce किया जा रहा है पहले monobromination of ethane के द्वारा ठीक है तो पहले मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन करवा लेते हैं रिएक्शन लिख लेते हैं पहले ठीक है बेसिकली हमने यहां पे मोनोब्रोमिनेशन कराया है इथेन का इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ते हैं यहां पे WURTZ रिएक्शन होने वाला है WURTZ रिएक्शन हम सबको पता है RX प्लस NA प्लस XR गिव्स RR प्लस 2NH ठीक है तो बेसिकली हम यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं जो अल्काइल हैलाइड है उसके बाद हम यहाँ पे डाई एल्केन बना रहे हैं बेसिकली ठीक है तो यहाँ पे इसकी भी रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे जब हम यहाँ पे 30 ग्राम्स प्रोड्यूस कराएंगे यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं 100% यील्ड हुआ तो यहाँ पे हमें 109 ग्राम्स मिलेंगे ठीक है अब बेसिकली मुझे इसका रिएक्शन कराना है जब यहाँ पे मैं 2 × 109 ग्राम्स दे रहा हूँ सो आई एम एक्सपेक्टिंग हियर कि यहाँ पे मुझे 48 ग्राम्स मुझे यहाँ पे एन ब्यूटेन का प्रोड्यूस हो ठीक है सो बेसिकली दीज आर ऑल द रिएक्शन और इसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ इतना देखना है कि किसमें कितना यील्ड है और कितना ग्राम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है सो बेसिकली यहाँ पे हमको जो फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पे हमें बेसिकली 55 ग्राम्स की दरकार है ठीक है अगर 55 ग्राम्स की हमें इथाइल ब्रोमाइड की दरकार है तो यहाँ से हम यहाँ पे देख सकते मतलब
55 ग्राम हमको यहाँ पे ब्यूटेन मिल गया है, इसको हम अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड हमें इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग 100% यील्ड होता तो कितना लगता, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें लगता 2 × 109 × 55/58, ठीक है। इतने ग्राम्स मुझे C2H5Br के लगेंगे C4H10 बनाने के लिए, प्रोवाइडेड यहाँ पे 100% यील्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे तो 100% यील्ड नहीं है, सो देयरफॉर मुझे इससे ज्यादा की जरूरत होगी, ओके। 100% यील्ड में बेसिकली WURTZ रिएक्शन हो रहा है आपका 85% रिएक्शन के साथ। जब मैं यहाँ पे 100/85 कर दूंगा, सो बेसिकली आई एम गेटिंग हियर द वैल्यू एज समथिंग अप्रोक्सीमेटली 243.2 ग्राम्स, ठीक है। 243.2 ग्राम मुझे इसके लगेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये प्रोड्यूस होगा 243.2 ग्राम यहाँ पे, तो ही मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो बेसिकली नाउ आई विल लाइक टू यूज 243.2 ग्राम फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। सो अब यहाँ से कन्वर्जन की बात आ जाती है, 243.2 ग्राम मुझे अब यहाँ प्रोड्यूस करवाना है, बट इसकी भी जो परसेंटेज यील्ड है दैट इज 90, ओके। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे 243.2 ग्राम मुझे यहाँ से चाहिए था, ठीक है। दैट तो अब मुझे यहाँ से इतना कितना C2H6 यूज करना है ताकि मैं C2H5Br का जो क्वांटिटी जो मुझे मिले 90% नील के बाद, दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 243.2 ग्राम, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस। अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 30/109 × 243.2 ग्राम इंटू 100/90, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गया फाइनल वैल्यू, दिस विल गिव मी द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द एक्चुअल इथेन रिक्वायर्ड, ठीक है। जितना मुझे इथेन की जरूरत है ताकि मैं इतना पूरा क्या बोल सकते हैं 55 ग्राम एनबुटेन बना सकूं। सो दिस फाइनल वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 74.37 ग्राम। 74.37 ग्राम मतलब हम यहां से बेसिकली उसको एनटीपी का वॉल्यूम निकालना है। सो एनटीपी वॉल्यूम कैन बी गिवन बाय इफेक्टिवली हमको यहाँ पे जो यूनिटरी लॉ है उसके बाद वो लगाना पड़ेगा 74.37 / 30 / 30 मैं क्यों कर रहा हूँ आपको ये बता दें, इसका जो मोलर मास है दैट इज इक्वल टू 30 ग्राम्स, ओके। सो आई एम कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स 74.37/30 × 22.4, एनटीपी में जो मोलर वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू 22.4। सो बेसिकली 74.37/30 × 22.4 इफेक्टिवली गिव्स मी द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड एट एनटीपी ऑफ इथेन, ओके। सो बेसिकली 74.37/30 × 22.4 गिव्स मी द आंसर एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 55.5 लीटर, ओके। 55.5 liters, therefore the correct response for this question is option C, 55.5 liters, okay. So now let's look at the next question. The next question of the video says, if 1/6 sine theta, cos theta and tan theta are in GP, then the general value of theta is 2n/±π/3 and belonging to Z, 2n/±π/6 and belonging to Z, n/±1 to power n π/3 and belonging to Z, and n/±π/3 and belonging to Z, okay. So basically यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1/6 sin theta, cos theta और tan theta हमारे यहाँ पे GP में है, so we can multiply this and write 1/6 sin theta, sin theta by cos theta, multiplication में is equals to cos square theta, cool। यहाँ पे 1/6 आगे हमारे पास sin square theta को हम लिख सकते हैं 1 − cos square theta is equals to cos cube theta, simplify कर देंगे तो equation बन जाएगा हमारा 6 cos cube theta, ठीक है, प्लस cos square theta −1 = 0। यहाँ पे अब जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे अब ढाल के हम देख सकते हैं, ठीक है। 6 cos cube theta प्लस cos square theta −1 + −1 डाल के देखो वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही है, ठीक है। cos cube theta और cos square theta को हमको nullify करना है, so basically we can't use values like √3/2 and −√3/2 gone। अब यूज करके देखते हैं हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। हाफ और माइनस हाफ जब यूज करके देख रहा हूं मैं 6 × cos cube theta का मैं हाफ यूज करूं 6 × 1/8 दैट इज 0.75 प्लस 0.25 − 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हाफ यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। सो
cos theta is equals to half is a valid solution. अच्छे से डाल के सब आप एक बार फिर से देख सकते हो कि इसके क्या फैक्टर्स बन रहे हैं. ठीक है, 6 cos cube theta plus cos square theta minus 1 को आप डिवाइड करके देख सकते हो, cos theta minus half या फिर 2 cos theta minus 1 से आप डिवाइड करके देख सकते हो. जो आपका दूसरा फैक्टर आएगा उसको भी करके देखो, लेकिन उसमें से मुझे पता है जो रूट्स आएंगे वो आएंगे आपके इमेजिनरी रूट, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट. सो मुझे cos theta equal to half का बेसिकली जो रूट निकालना है. ठीक है, cos हमको y equal to cos theta का जो ग्राफ है हमको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है. ठीक है, अब इसको हाफ में कट करवाना है. सो बेसिकली द आंसर विच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर इज, देखो cos theta हमारा हाफ कब होता है, जब वो अप्रोक्सीमेटली आपका पाई बाय 3 होता है, माइनस पाई बाय 3 होता है, उसको जनरलाइज अगर कर सकते हैं अमन, सो दैट वैल्यू विल कम टू बी इक्वल टू बी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, वेयर n इज इक्वल टू z. ओके, n की जो डोमेन है हमने उसको पूरा स्पेसिफाई कर दिया है. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 100x बाय sin x gif प्लस 99 sin x बाय x gif रिप्रेजेंट द ग्रेट, वेयर दिस रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज गिवन बाय ऑप्शन ए 199, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 198, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ माइंड बस्टर, जहां पे हमको बेसिकली ये पता करना है कि sin x बाय x की लिमिट कहां से कहां होती है. तो इसका जो कॉमन फंडा है दैट इज sin x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय sin x इज इक्वल्स टू 1 प्लस. ठीक है, इसको अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो, इसी के बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चंस बनने वाले. 100x बाय sin x जब करेंगे तो क्या ही आएगा. ठीक है, 100x बाय sin x कर रहा हूं तो यहां पे 100 इनटू x बाय sin x है, सो बेसिकली दिस विल बी 100 प्लस का gif प्लस 99 1 माइनस का gif. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 100, ये 99 से थोड़ा कम आएगा, gif लगाऊंगा तो वैल्यू आएगा हमारा 98. देयरफॉर द करेक्ट रिस्पांस फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 198. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो सेज अ सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द अर्थ, अ सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.01 आर, द न्यू पीरियड इज लार्जर देन द फॉर्मर बाय. देखो जो बेसिक फॉर्मूला है ऑलमोस्ट सबको पता था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू. यहाँ पे हमको जो डिफरेंस है उसी को लेना है बेसिकली. ठीक है, हमको यहाँ पे आर पता है पहले ये है, तो अब जो टी डैश का स्क्वायर आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू 1.01 आर का पावर क्यू. ठीक है, हमको न्यू पीरियड का जो डिविएशन है फॉर्मर पीरियड से हमको वो निकालना है. सो बेसिकली 2 टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा आर. ठीक है, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल आर बाय आर, हमको ये पता है क्या है 2 डेल्टा टी बाई टी, और ये हो गया हमारा 0.01 आर बाय आर. ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया. सो बेसिकली हमको यहाँ से आंसर यहाँ पे आर आर कट गया, सो देयरफॉर वी आर गेटिंग डेल्टा टी बाई टी का जो वैल्यू आ रहा है हमारे लिए दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.5 इंटू, ठीक है, 10 to the power minus 2. Therefore, the value of the new period being larger than the former comes out to be equal to 1.5%. Okay? Since you're watching till now, I assume that you like the video. And for any clarifications, please comment down and don't forget to like the video and also subscribe to my channel.